हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। गाइस, आज हम बात करेंगे बैकफुट डिफेंस के ऊपर कि बैकफुट डिफेंस आपको कैसे करने चाहिए, उसके लिए क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए, कौन सी आपको ड्रिल करनी है और गाइस क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए। उससे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि आपका बैकफुट डिफेंस करना ज़रूरी क्यों हो गया है प्रेजेंट टाइम की क्रिकेट में। गाइज, वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखना। और गाइज, जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक के पहुंचती रहे। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता देता हूं कि बैकफुट डिफेंस करना इतना ज़रूरी क्यों हो गया प्रेजेंट टाइम की क्रिकेट में। गाइज, कहीं भी आप खेलने जाते हैं, किसी भी टीम के अगेंस्ट में आप खेलते हैं, आपको 2 से 3 ऐसे फास्ट बॉलर खेलने को मिलते हैं जिनके पास अच्छा खासा पेस होता है। और गाइज वहाँ पे अभी जो है प्रेजेंट टाइम में गाइस विकेट भी अच्छे खासे हेल्पफुल बनने लगे हैं मीडियम पेसरों के लिए। तो गाइस इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपका बैकफुट डिफेंस अच्छे होने चाहिए। उसका रीज़न गाइस ये है कि जो फास्ट बॉलर होते हैं आपको पता है कि वो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ ज़्यादा बॉल डालने को देखते हैं। क्यों? जहाँ पर हेल्प नहीं होती है तो वहाँ पर और ज़्यादा आपको शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ खेलने को मिलती है। इसीलिए गाइस बहुत ही ज़रूरी है कि आपके बैकफुट डिफेंस अच्छे होने चाहिए, क्योंकि गाइस जब आपको कंटिन्यू बैक ऑफ गुड लेंथ बॉल फेंकी जाएगी तो आप एवरी बॉल शॉट नहीं खेल सकते हैं। अगर आप एवरी बॉल शॉट खेलने के लिए जाएंगे तो आपके चांसेस ज़्यादा गाइस आउट होने के रहेंगे। इसलिए गाइस बहुत ही ज़रूरी है कि आपके बैकफुट डिफेंस अच्छे होने चाहिए। उसके लिए गाइस क्या आपको ड्रिल करनी है, 2 ड्रिल्स है, वो मैं आपको करके दिखाऊँगा। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी पोजिशन क्या होनी चाहिए बैकफुट डिफेंस करते वक्त। गाइस जब भी आप बैटिंग करेंगे और आप बैकफुट डिफेंस करेंगे तो कोशिश करना है आपको दूर से डिफेंस नहीं करना है। अगर आप दूर का बॉल डिफेंस करने जाएंगे तो चांसेस रहेंगे ज़्यादा आउट होने के। इसलिए गाइस कोशिश करनी है आपको जितना हो सकता है बॉडी के पास आगे डिफेंस करना है। और गाइस एक चीज़ और, जब भी आप डिफेंस करने जाएंगे तो आप पीछे वाले पैर पर आ जाएंगे, पीछे वाले पैर पर आके आप डिफेंस करेंगे। और कोशिश करना है आपको गाइस जो आपका बॉटम हैंड होगा इसको आपको टाइट नहीं करना है। अगर आप बॉटम हैंड टाइट करेंगे तो आप कभी भी अपने बैट का फेस बंद या ओपन नहीं कर पाएंगे। इसलिए गाइस सिर्फ ये सपोर्टिंग हैंड होता है, नीचे वाला हैंड जो होता है गाइस ये सिर्फ आपको सपोर्टिंग हैंड करिए, सपोर्ट करता है खाली। तो इसलिए गाइस कोशिश करनी है जब भी आप बैकफुट डिफेंस करने जाएंगे तो एकदम आपको यहाँ पे करना है, एकदम सर के नीचे। अगर आप इधर करने जाएंगे या इधर करने जाएंगे तो चांसेस रहेंगे ज़्यादा एज लगने के, या आगे दूर करने जाएंगे तब भी ज़्यादा चांसेस रहेंगे एज लगने के। गाइस अगर आप दूर डिफेंस करने जाएंगे तो क्या होगा, आपकी निगाह जो है बॉल से हट जाएगी और वहाँ पे गाइस चांस रहेंगे ज़्यादा एज लगने के। इसीलिए कोशिश करनी है आपको जितना हो सकता है आपको बॉडी के करीब यानी कि शरीर के करीब आकर आपको डिफेंस करना है ताकि आप परफेक्ट तरीके से डिफेंस कर सकें। अगर आप दूर डिफेंस करने जाएंगे तब भी चांसेस रहेंगे, जिधर भी आपको डिफेंस करना है आपकी बॉडी उधर ही मूव करेगी ताकि आप अच्छे से डिफेंस कर सकें। गाइस ये जो 2 ड्रिल्स हम करने वाले हैं इसमें क्या करना है, होता क्या है गाइस कुछ बॉल जो है टप्पा खाने के बाद फ्लाई होती है उड़ती हुई जाती है, तो उनको आप वो कैसे आसानी से डिफेंस कर सकते हैं, उसमें आपको करना क्या है, जो आपको बॉल डालेगा उसको पास में बिठाना है और अपने सीने के आसपास इस वाले एरिया के आसपास आपको बॉल फेंकवाना है और एवरी टाइम आपको अच्छे से डिफेंस करना है और एक थोड़ा पीछे यानी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ से आपको थ्रो करवाना है और वह भी डिफेंस करना है। चलिए गाइस देखते हैं, मिलते हैं बाद में।
तो गाइस अभी आपने देखा हम लोग जो है कैसे ड्रिल कर रहे हैं बैकफुट डिफेंस के लिए। गाइस ये बेस्ट तरीका है किसी भी फॉर्मेट में बैकफुट डिफेंस करने का, आप T20 खेले, वनडे खेले या डेज क्रिकेट खेले। गाइस कहीं भी आपको फास्ट बॉलर मिलेंगे वो कंटिन्यू आपको शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ डालते रहते हैं हर ओवर में, तो इसलिए गाइस बहुत ही ज़रूरी है कि आपके बैकफुट डिफेंस अच्छे होने चाहिए अगर आपको किसी भी फॉर्मेट में एक अच्छी इनिंग खेलनी है। तो चलिए गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।